मैं अब किचन में आके, और ये केले मैंने उबाल लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं उबाल के मैंने रखा हुआ है, ठंडा हो गया है। अब इसको मैं छीलूंगी और छील के इसके कोफ्ते बनाऊंगी आज। तो केले को इधर मैंने छील के रख लिया है और इधर मैंने सारी चीज़ें कट करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। और इधर मैंने थोड़े थोड़े मसाले, कसूरी मेथी वगैरह ये सब चीज़ें थोड़े थोड़े रखे हैं, क्योंकि पिसा हुआ भी रखा हुआ है, तो मैं खड़े मसाले कम ही डालूंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर रखा है, पहले इसको मैश कर लूँ फिर उसके बाद से। तो इधर मैंने केले को मैश कर लिया अच्छे से, इसमें थोड़ा बेसन डालूंगी, तो आप देख सकते हैं इसमें बेसन मैंने थोड़ा ऐड कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें नमक उसी हिसाब से डालना होता है, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिला लिया है, और थोड़ी सी मैं इसमें हरा धनिया भी कट करके रखा है, इसको भी मैं थोड़ा ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से गोल गोल लड्डू से, और मैं इसको, अब तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक एक करके डालूंगी। देख सकते हैं कि पकौड़ी हमारी सिक चुकी है। अब मैं डालूंगी हींग, तो इसमें हींग, जीरा और अदरक, टमाटर, कसूरी मेथी वगैरह सब मैंने मिला लिया, हरी मिर्च, तो इसको मैं भूनूंगी। टमाटर, थोड़ा धनिया ऐड करूंगी, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया मैंने ऐड कर दिया इसमें, और नमक भी डाल दिया। तो मैं और मेरी बेटी खाते हैं, तो उसके लिए मैं काट के रखी हुई हूँ, और ऊपर से छौंक लगाऊंगी अपने लिए अलग निकाल के। हमारा मसाला भून चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ी सी दही, ये मैंने फेंट के रखा था थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिना उसके, बिना लहसुन प्याज वाले में दही बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छे से, देखिए कलर कितना बढ़िया हो गया है। पानी मैंने ऐड कर दिया है, पानी ज़्यादा ही रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि पानी सोख लेता है फिर वो। कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है, उबाल अच्छे से आ गया है, बहुत बढ़िया पक गया। तो इसमें पकौड़ी मैं डाल के मिला दूंगी, और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारी चीज़ें मिला दिया है। तो इसमें ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, तो गरम मसाला आप डाल के थोड़ी देर को मैं ढकूंगी, उसके बाद ये मेरा पक चुका है, एकदम उबाल आ चुका है। तो इसमें हरा धनिया डाल के, और उसके बाद में तो इधर मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, और खाने के लिए मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये कटोरी में मैं निकाल रही हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा देखने में? तो इसमें प्याज और बिना प्याज दोनों तरह से मैंने बताया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, नए आ रहे हैं चैनल पे। तो इधर मैं लहसुन और प्याज का तड़का अपना लगाऊंगी, प्याज लहसुन का तड़का मैं अपने में लगाऊंगी। तो इसमें मैं गरम करके और थोड़ा तेल डाल दिया है, और उसमें प्याज मैं कट करके रखी थी, लहसुन छील के रखा हुआ था, तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जी मैं नमक हल्का ही रखा था मैंने, तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, ताकि अच्छे से ये मेरी प्याज पक जाए। तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट एकदम पक चुका है, और इसमें मैं अपने लिए और छवि के लिए निकाल लिया था, तो इसमें सारी चीज़ें ये डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी अच्छे से। बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया था, और बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अगर घर में कोई प्याज खाने वाला है नहीं है
तो आप लोग इस तरह से अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीका है ये, अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मिक्स होने के बाद ही अच्छा लगता है, एकदम वही फ्लेवर आ जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए आ रहे हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और